हुआ मलिका? मित्रगुप्त जी का बुलावा आ गया। अब तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वापस जाकर तुम बोलोगी क्या कि इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी? हो गया। मलिका नाम है मेरा और मुझे अच्छी तरह से पता है लोगों को अपनी इस छोटी उंगली पर कैसे नचाना, और मुझे पता है कि कब करना है और क्या करना है। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ओ, मिर्ची लग गई। उफ, मार ही डालोगे। तुम्हें कहा गया था कि मानव के मन से लालच को दूर कर, मगर तुम पृथ्वी लोक पर जाके खुद ही लालच में फंस गई। मित्रगुप्त जी, मानव के मन से लालच दूर करना बहुत ही असंभव कार्य है, ये सब तो उनके रक्त में बसा हुआ है। तो तुम एक अप्सरा हो, अगर तुम्हारी दी गई शक्तियों का तुम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती तो क्या फायदा तुम्हारी शक्तियों का? इसलिए तुम्हें 10 साल के लिए स्वर्ग लोक से सीधे पृथ्वी लोक पर भेजा जाता है, और वो भी बिना तुम्हारी शक्तियों के। और तुम्हें कहा गया था कि आज के युवाओं में संस्कार डालो, मगर तुम खुद ही अपने संस्कार भूल गई। मित्रगुप्त जी, आप मुझे कोई दूसरा कार्य सौंपिए, आजकल के युवाओं में संस्कृति के अंश डालना असंभव है। क्या कहा तुमने? असंभव? क्या तुम ये भूल गई कि तुम एक स्वर्ग लोक से हो और यहाँ पर कुछ भी चीज असंभव नहीं होती है। ये शब्द बोलना भी तुम्हारे लिए पाप है, इसलिए तुम्हें एक साधारण औरत बनकर 15 सालों के लिए धरती के जंगल में रहना होगा। नहीं नहीं, मल्लिका कहाँ हो इतने दिनों से? तुम स्वर्ग लोक में होने वाली गतिविधियों से भी तुम गायब रहे। एक अप्सरा होने के नाते तुमने क्या हासिल कर लिया? मित्रगुप्त जी, मैं एक बहुत ही खास काम के लिए पृथ्वी लोक पर गई हूँ, बस मेरा कार्य खत्म होने ही वाला है। तुम एक हेड अप्सरा हो और आज तक तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम्हारा जो भी काम है 13 दिनों के अंदर खत्म कर लो। 13 दिन मतलब 13 दिन। 13 दिन के बाद तुम सीधे स्वर्ग लोक आओगी, वरना हमेशा हमेशा के लिए ये स्वर्ग लोक के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। मलिका, अब अगर तुम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगी तो यही हाल होगा ना तुम्हारा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि विनोद एक परफेक्ट हस्बैंड है, उसकी तपस्या को तोड़ने की जिद मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी। कैसे कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? अरे मैंने इतनी चाले चली, लेकिन विनोद को मैं टस से मस नहीं कर पाई। अरे कोई तो कमजोरी होगी उसकी। नहीं है। तुम्हें पता है मलिका, इस दुनिया में 13 भवंडर ऐसे हैं जिनसे कोई भी रिलेशन टूट सकता है। लेकिन वो 13 भवंडर भी सोनू और विनोद के रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। 13 भवंडर। थैंक्स।
ये क्या बोल गई मैं? कहीं मलिका वो तेरा भवंडर वाला सूत्र का इस्तेमाल विनोद पे ना कर दे। मलिका, तुम विनोद पर इन तेरा भवंडर का इस्तेमाल करने की भूल भी मत करना। अब आएगा असली मजा। अब मेरे हाथ लग गया है तेरा भवंडर का महासूत्र। अब होगी विनोद और सोनू के रिश्ते की असली अग्नि परीक्षा। ये तेरा भवंडर विनोद को परफेक्ट हस्बैंड नहीं रहने देगा। और इस तेरा भवंडर का पहला महासूत्र है लापरवाही, जिसका इस्तेमाल मैं विनोद पे करूंगी। विनोद गया। मधुमक्खी, क्या बात करिए प्रिया, आज तक ऐसा हुआ है कि हम दोनों ने एक दूसरे को कोई प्रॉमिस किया और वो पूरा ना हुआ? तेरी साड़ी आ जाएगी, चल बाय। विनू, तुम्हें पता है विनू प्रिया की शादी है। प्रिया की शादी है? ये प्रिया कौन है? कैसी बात कर रहे हो विनू? प्रिया मेरी फ्रेंड, भूल गए? हम उसे कैसे याद रखें जब तुम्हारे सिवा हमें किसी और को याद रखने की फुर्सत कहां जानमन। ज्यादा रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है विनू? नहीं। विनू सुनो ना। सुनाओ ना। हमें ना जो भी गिफ्ट चाहिए होता है हम एक दूसरे को बता देते कि ये लेके आना। तो तूने प्रिया को बता दिया कि तुझे क्या चाहिए? विनू उसकी शादी है ना, तो उसने मुझे बताया कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए। करीना की साड़ी। करीना की साड़ी? लेकिन करीना अपनी साड़ी क्यों देगी? चल ठीक है सोनू, अगर तू कह रही है तो मैं मुंबई जाके करीना से बात करता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है कि करीना अपनी साड़ी देगी। विनू मैं ये साड़ी की बात कर रही हूँ जो करीना ने इस फोटो में पहनी, कोई भी अच्छी दुकान से मिल जाएगी। तो तू पहले बता देती यार, खामोखा मुझे डरा दिया। देखो प्रिया की शादी का गिफ्ट है, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ सोनू, प्रिया की शादी का गिफ्ट है तो कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये लाइट को क्या हो गया? इतना लाइट भी समझदार हो गई। हमारे घर की लाइट गई है। अच्छा? क्योंकि और घरों में लोग रोमांस नहीं करते सोनू, सिर्फ हम ही रोमांस करते हैं। विनू, तुमने बिजली का बिल भरा था? इतनी बड़ी लापरवाही विनू, तुम लाइट का बिल भरना भूल गए? पूरी रात गर्मी में बिना पंखे के बैठे रहो। ओ माफ कर दे सोनू, आज से पहले मैंने कभी कुछ ऐसा किया? आज से पहले ना मैं भी कभी बिना लाइट पंखे के नहीं रही हूँ। मेरी मम्मी के घर इतने सारे इन्वर्टर है। मम्मी के घर? मम्मी, ओ सोनू बात तो सुन यार। ओ यार ये लाइट कहाँ चली गई? सारी उतार दी यार। ओए मैं देखता हूँ। ओए यार। यार। ओए सिर्फ हमारे हाउस की गई है, पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी लाइट वालों की। ओए बुनू, मम्मी सारा दिन किचन में गर्मी झेलो, अब रात को भी चैन नहीं, पता नहीं कब आएगी बिजली। अरे कन्नू पता है इतनी गर्मी है फिर भी दादी खराटे मार के सो रही है। तू जा ना मम्मी के रूम से टॉर्च ढूंढ के ले। ठीक है आता हूं ना। ओ यार ओ तेरी, कौन कमबख्त कहता है कि घर पे बिजली नहीं है, यहाँ तो पूरा पावर हाउस है बॉस। ओए पावर हाउस के इंजीनियर, और जा बैटरी वाली लाइट लेके आ।
सुनो राम से सीढ़ी है यार। इस मौके का फायदा तो मैं जरूर उठाऊंगी। गिर जाएगी, देख के देख के। देखा कहाँ से ना गिर गई। बैटरी तो मिलने नहीं है, क्योंकि लालटेन मिल गई मुझे, क्योंकि लाल। सोनू अब सॉरी अंधेरा था इसलिए टकरा गई। अब मेरा मतलब है अंधेरा देखा ना इसलिए चली आई। और टकराने है? नहीं वो मोमबत्ती देने। मोमबत्ती देने आई थी तो जला के लेके आती, कम से कम मेरे वीनू से तो नहीं टकराती। सोनू मैं मोमबत्ती जला कर ही लाई थी लेकिन वो हवा के झोंके से ना पुछ गई। पुत्र जरा पता तो कर ये बत्ती कैसे गुल हो गई है। मम्मी जी वीनू क्या पता करेगा, उसी की वजह से तो बत्ती गुल हुई है। वीनू ना बिजली का बिल भरना भूल गया इसीलिए हमारे घर की बिजली कट गई। आप फॉरगेट कर गए आप? ओ विनोद पुत्र तू तू इतनी सी बात भूल गया? पुत्र कल से मैं ना तुझे रोज बादाम भिगो के खिलाया करूंगी है, तेरा दिमाग ना थोड़ा कमजोर हो गया है। ओ माफ कर दो यार, ठंड रखो, मैं अभी के अभी ना बिजली का बिल ऑनलाइन भर देता हूँ, अभी थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी बस। रहने दे यार, सारी उतार दी तूने। फोन अभी तो ये शुरुआत है विनोद जी, अभी तो देखते जाइए आप और क्या क्या भूलोगे और कितना कितना भूलोगे। वीनू आगे से ना कभी ऐसी लापरवाही। ओ कभी नहीं होगी, चल अब अच्छे अच्छे मूड से ना वो करीना वाली साड़ी खरीद ले आगे। आइए 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 आइए। नमस्कार। नमस्ते। वीना ये ऐसी वाली साड़ी चाहिए बिल्कुल। सेम टू सेम ऐसे ही साड़ी दिखाऊंगा। दिखाइए दिखाइए। बिल्कुल अलग है ये नहीं। गोल्डन भाई साहब ये क्या दिखा रहे हैं आप? अरे भाई साहब जो साड़ी हमें चाहिए वो तो आप दिखा नहीं रहे हो, प्लीज वो वाली साड़ी दिखाइए ना। अरे जीजा जी क्या बात कर दी आपने। जीजा जी? हाँ ये हमारी बहन जी हुई तो आप हमारे जीजा जी हुए। भैया जी ये जो अपना नया स्टॉक आया है उसमें ये वाली साड़ी है। तो अभी तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, जा पैकेट से निकाल के लेके आना। मैं अभी लेकर आता हूँ। जी आजी आप बैठिए, मुरली अभी साड़ी लेकर आता है, मैं आपके लिए कुछ चाय ठंडा मंगवा दूँ। ठंडा नहीं चाहिए, साड़ी दिखाइए आप बस। ये लीजिए ये देखिए। पक्का सुनू? हाँ एकदम परफेक्ट है भाई साहब, ये साड़ी पैक कर दीजिए। भाई साहब आपने इसे गिफ्ट पैक करा दी। ठीक चल सोनू। अच्छा हुआ ना ये साड़ी मिल गई, वरना प्रिया तो ना मेरी जान ले लेती। थैंक यू भाई साहब। चल सोनू। हो गया? प्रिया ना बहुत खुश हो जाएगी। वीनू मेरे लिए भी साड़ी ले ले, देखो ये ले लिया हूं, कोई टेंशन। क्या भाई साहब? अरे क्या क्या भाई साहब, आप फोन पर हैं? अरे पिया कहाँ है तुम्हारी करीना वाली साड़ी? अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू आने वाली है मेरी करीना वाली साड़ी लेकर। Excuse me everyone, जिसके बारे में बात कर रही थी मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू, लो वो आ गई है।
शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। अच्छा इनसे मिल, ये तेरे जीजू। नमस्ते जी। इनसे मिलिए, ये है मेरे पति रवि। अबे रहा। नाइस। मेरा गिफ्ट कहाँ है? आज तक ऐसा हुआ है कि तूने मुझे कुछ लाने को कहा और मैं ना लाई हूँ? ये रही तेरी करीना वाली साड़ी। ओ वाओ, मेरी करीना वाली साड़ी। अजी पूछिए मत, आपकी सहेली ने कितनी मेहनत की है ये साड़ी ढूंढने में। I'm so excited. Excited है तो खोल के देख। सोनू ये तो खाली है। सोनू तो खाली है। सोनू ये तो खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनू ऐसा कैसे हो सकता है? साड़ी तुम्हारे हाथ में थी तो फिर साड़ी गई कहाँ? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि साड़ी गई कहाँ। सॉरी प्रिया, तेरी शादी में ऐसा मजाक, वो भी तेरी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से। प्रिया लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने सच में साड़ी खरीदी थी। सोनू आज मेरी शादी है और मेरी शादी के दिन ऐसा मजाक। सॉरी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ये साड़ी लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। मैं वीनू से लापरवाही हुई है, मैं तेरे लिए साड़ी लेके आऊंगी पक्का। समझ में नहीं आ रहा, साड़ी तो मैंने पैक करवाई थी, फिर गायब कैसे हो गई? नहीं नहीं, बदल नहीं सकता, हो ना हो पैकिंग में ही गड़बड़ हुई है। सोनू मैं कल ही उस दुकान पे जाके पता करता हूँ जहाँ से हमने ये साड़ी ली थी, जरूर वहीं कोई गड़बड़ हुई होगी। हाँ अब प्रिया, मैं ना तुझे ये साड़ी एज अ पोस्ट वेडिंग गिफ्ट दे दूंगी। हाँ मुझे वो साड़ी कोई भी कीमत पे चाहिए। इस हमने नाक कटवा दी तुमने। तुमने कहा था ना कोई भी लापरवाही मत करना। नमस्ते जी। नमस्कार जी। मैं कल आया था साड़ी लेने जी, मैं वो जीजा जी आपकी बहन जी के साथ आया था, वो सफेद रंग की करीना वाली साड़ी लेने, याद है आप? अरे हाँ जिया जी, बताइए बताइए क्या हुआ? देखिए कल जब मैं आपकी दुकान से निकल रहा था ना, तो मैं एक आदमी से टकराया था, आप बता सकते हैं वो आदमी कौन है? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं। हुआ क्या जीजा जी? वो मेरा जो साड़ी वाला डिब्बा था ना, वो शायद उनके पास चला गया और उनका जो खाली डिब्बा है वो मेरे पास आ गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बवाल हो गया जी। अरे भैया जी, वो चतुर्वेदी जी, शूटिंग वाले जो गिफ्ट पैक कराने आते हैं। अच्छा अच्छा, चतुर्वेदी जी, वो अक्सर आते हैं हमारे पास अपने खाली डिब्बे गिफ्ट रैप करवाने के लिए। हाँ। उनका शूटिंग का काम जो चलता है। ये चतुर्वेदी साहब का कोई नंबर या पता होगा प्लीज? अरे नंबर क्या करना है, बाजू में है ना राज स्टूडियो, वहीं पे मिलेंगे आपको। ओ जी, ये राज स्टूडियो? हाँ राज स्टूडियो। अच्छा जी, थैंक यू, नमस्ते। विनोद जी, आप कितनी भी कोशिश कर ले, मलिका आपसे एक कदम आगे ही रहेगी। बचाओ, कोई मुझे इन गुंडों से बचाओ। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? प्लीज इन गुंडों से बचाओ। तीन चार गुंडे थे, चौथा गुंडा कहाँ पर है? सर एक गुंडा कम है सर, वो आया नहीं है सर। आई डोंट केयर, चौथा गुंडा लाओ, कहीं से पता करो, लाओ। डायरेक्टर बहुत चिल्लम चिल्ली मचा रहा है, कहीं से भी एक गुंडा पैदा करना पड़ेगा। गुंडा? हाँ गुंडा। भाई साहब ये चतुर्वेदी जी कहाँ मिलेंगे? अरे देखो जाके यार, कहीं मिलेंगे। गुंडा? मैं? ओ मैं आपको गुंडा दिख रहा हूँ? मैं तो विनोद खन्ना हूँ। ओ मैं शाहरुख खान। तुमको चतुर्वेदी जी से मिलना है ना? जी हाँ। मैं मिलवा दूंगा, प्लीज गुंडे बन जाओ, मैं मिलवाता हूँ आपको, इनको लेके जाओ ना। लेकिन मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? अरे यार लेकिन वही कुछ नहीं, इसको गुंडे की ड्रेस पहना होगा। चतुर्वेदी जी से मिलवाएंगे, मैं मिलवाता हूँ तेरे को। गुंडा कैसे लगूंगा? लाइफ बन जाएगी। आप क्या कह रहे हैं, मैं कैसे गुंडा? अरे विनोद जी,
मल्लिका जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ना यहाँ पर शूटिंग देखने आई हूँ। वो हीरो है ना रॉकी, वो मेरा फेवरेट है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जी वो साड़ी लेने आया हुआ था। साड़ी यहाँ? मेरा मतलब वो मैं चतुर्वेदी जी से मिलने आया हुआ, बहुत जरूरी काम है। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, इनको गुंडा बनाओ, इनको पठानी बनवाओ। चलो चलो जाओ जाओ जाओ। अरे जाइए सर प्लीज। विनोची, मुझे सब पता है कि आप यहाँ साड़ी लेने आए हैं, लेकिन मल्लिका के होते हुए आप साड़ी ले नहीं जा पाएंगे।